नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज हम जिस किस्से की बात कर रहे हैं उसे 1857 की क्रांति से भी पूर्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा बताया गया है। इसे भारतीय इतिहास में आजादी की पहली लड़ाई बताया गया है। भारत की पहली क्रांति 1857 में न होकर 1817 में हुई थी, जिसे ओडिशा में पहले खुर्दा में लड़ा गया। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम को पाइका विद्रोह का नाम दिया गया, जिसने अंग्रेजों को चेता दिया था कि भारत उनकी गुलामी की जंजीरों में नहीं रह सकता। तो आइए जानते हैं भारत के इतिहास की पहली क्रांति पाइका विद्रोह 1817 के बारे में। पाइका विद्रोह पूर्वी भारत के ओडिशा में वह चिंगारी बनकर उभरा जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। साथ ही यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहली क्रांति थी, जिसमें पाइका दल ने बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की हिम्मत की थी। हुआ दरअसल ये था कि ब्रिटिश राज ने ओडिशा के उत्तर में स्थित बंगाल प्रांत और दक्षिण में स्थित मद्रास प्रांत पर कब्जा करने के बाद 1803 में ओडिशा पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया था। उसी समय अंग्रेजों द्वारा कर प्रणाली में मनमानी रूप से किए गए फेरबदल ने लोगों में आक्रोश भर दिया। साथ ही उस दौरान ओडिशा के गजपति राजा मुकुंद देव द्वितीय अवयस्क थे और उनके संरक्षक जय राजगुरु द्वारा किए गए शुरुआती प्रतिरोध का जवाब बर्बरतापूर्ण उनके जीवित शरीर के टुकड़े करके दबा दिया गया। कुछ वर्षों के बाद गजपति राजाओं के असंगठित सैन्य दल के वंशानुगत मुखिया बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में पाइका विद्रोहियों ने आदिवासियों और समाज के अन्य वर्गों के सहयोग के साथ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बगावत कर दी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह में पाइका लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मूलतः पाइका भुवनेश्वर के पास स्थित खुर्द के उन गजपति शासकों के किसानों का असंगठित सैन्य दल था, युद्ध के समय राजा को सैन्य सेवाएं प्रदान किया करते थे जबकि बाकी समय में खेती किया करते थे। अपने सैन्य योगदान के लिए इन्हें लगान रहित भूमि और कर में छूट भी दी जाती थी। यह शांतिकाल में अपने क्षेत्र की रक्षा भी किया करते थे, इसी वजह से इन्हें विशेष सम्मान प्राप्त था। पाइका लोगों को उनकी सेवाओं की वजह से राज्य में विशेष सम्मान प्राप्त था, बल्कि उन्हें जमीन और करों में भी छूट थी। ऐसे में जब 1803 में अंग्रेजों के आधिपत्य के बाद उनसे उनकी जमीन छीन ली गई और कर प्रणाली में भारी बदलाव कर दिए गए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली गई, जिससे न सिर्फ पाइका समुदाय बल्कि समाज के अन्य छोटे वर्ग भी त्रस्त हो गए थे। यही वजह थी कि उन्होंने दल संगठित करके अंग्रेजों को अपने क्षेत्र से खदेड़ने की ठान ली। 1817 में आरंभ हुई यह चिंगारी आग बनकर बड़ी तेजी से फैली। साथ ही में लोगों की भावनाएं आहत हुई थी, क्योंकि उनके लिए खुर्दा के शासक परंपरागत रूप से जगन्नाथ मंदिर के संरक्षक और धरती पर उनके प्रतिनिधि के तौर पर राज किया करते थे। उन्हें ओडिशा के लोगों की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का प्रतीक भी माना जाता है। राज्य के संरक्षक जय राजगुरु के निर्मम तरीके से हत्या करना लोगों को रास नहीं आया, क्योंकि इस बार वे लोग धार्मिक रूप से भी आहत हुए थे। इतनी वजह काफी थी जिसने उन्हें ब्रिटिश राज को खत्म करने के लिए प्रेरित कर दिया। चूंकि खुर्दा के राजा मुकुंद देव द्वितीय व्यस्क नहीं थे, इसलिए खुर्दा के शासन की बागडोर राज्य के सेनाध्यक्ष रह चुके बख्शी जगबंधु और संरक्षक जय राजगुरु के हाथ में थी। ऐसे में जय राजगुरु की हत्या भी हो चुकी थी, तो जगबंधु ने अपनी ही जमीन से वंचित और कंगाली झेलने वाले पाइका लोगों और समाज के अन्य वर्गों की एक बड़ी संख्या, जिसमें घुमुसर के खोंड भी शामिल थे, इन्हीं लोगों के साथ मिलकर ब्रिटिश राज के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसका नेतृत्व स्वयं जगबंधु ने किया था। मार्च 1817 के आरंभ में इस विद्रोह में घुमुसर के खोंड और खुर्दा के पाइका ने एक साथ मिलकर बानापुर पर हमला किया, जहां उन्होंने अंग्रेज राज को दर्शाने वाली या उनके हर प्रतीक को नष्ट करने का प्रयास किया। पुलिस स्टेशन, कोषागारों और सरकारी इमारतों को लूट के बाद और उन पर हमले करके ध्वस्त कर दिया गया। पाइका विद्रोहियों को कनिका, कुजंग, नयागढ़ और घुमसुर के राजाओं, जमींदारों, ग्राम प्रधानों और आम किसानों का समर्थन प्राप्त था। यह विद्रोह बहुत तेजी से प्रांत के अन्य इलाकों जैसे पुरल, पीपली और कटक में फैल गया।
अंग्रेजों को शुरुआती हमले का नुकसान अपना एक कमांडर लेफ्टिनेंट खोकर उठाना पड़ा। 12 अप्रैल 1817 को विद्रोही सेना पूरी पहुंची, जहां उन्होंने भारी मात्रा में सरकारी सैनिकों और सरकारी अफसरों को भी नुकसान पहुंचाया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए ताकि वो युद्ध में हारी जगहों को वापस पा सकें और फिर से शांति व्यवस्था बहाल कर सकें। इस दौरान दमन का व्यापक दौर चला, जिसमें कई लोगों को जेल में डाला गया और भारी संख्या में अपनी जानें गंवानी पड़ी। यह दौर प्रताड़नाओं और अत्याचारों का था, जिसे बड़ी संख्या में लोगों ने झेला। हालांकि शुरुआत में विद्रोही सेना ने कई लड़ाइयां जीती, लेकिन अंग्रेज इस उठती चिंगारी को बुझाने में सफल रहे। अक्टूबर 1817 में यह युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन इसके कई नेता भागने में सफल रहे। अनेकों विद्रोहियों ने 1819 तक गुरिल्ला युद्ध लड़ा, लेकिन अंततः उन्हें पकड़कर मौत की घाट उतार दिया गया। बख्शी जगबंधु को भी 1825 में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में कैद में रहते हुए ही 1829 में उनकी मृत्यु हो गई। पाइका और घोंड समुदाय का अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना ब्रिटिश राज के लिए चुनौती था कि वे ज्यादा दिनों तक भारत पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। अठारह का विद्रोह भारत के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा का विद्रोह था, जिसकी भनक अंग्रेजों को थी। इसलिए जल्द ही उन्होंने इस क्रांति को दबा दिया ताकि समूचे भारत पर अपना मनमाना राज कर सकें। हालांकि अब तक इस लड़ाई को भारत के इतिहास में पहली क्रांति के रूप में मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन अब इसे आधिकारिक रूप से भारत सरकार ने मान्यता दे दी है। आज हमें स्वतंत्र भारत में रहने के सौभाग्य का श्रेय इस क्रांति के शहीदों को भी जाता है। आशा करता हूं यह ऐतिहासिक पन्ना आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों, गाथाओं और किस्सों के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दर्शक कृपया ध्यान दें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना करें, और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।